हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। इससे पहले हमने एक वीडियो बना ली है जिसमें हमने नाउन के बारे में डिस्कस किया था। नाउन क्या होता है? ए नेमिंग वर्ड। जो भी हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं उन सबका कोई ना कोई नाम दिया जाता है और उसे ही क्या है, नाउन कहते हैं। इवन हमारे जो इमोशंस होते हैं, वो भी जो मूड होते हैं, वो भी क्या है, अलग अलग होते हैं और उनके भी नाम होते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, हमारा जो बिहेवियर होता है, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ये सब भी क्या है, नाउन के ही एक पार्ट होते हैं। आज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मीन्स होता है जो नाउन के स्थान पर आ जाए, ऐसे वर्ड जिनका यूज नाउन की जगह पर किया जाता है। अब जैसे राम, राम क्या है, नाउन है। राम कौन सा नाउन है? तो ये प्रॉपर नाउन है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक लड़के का नाम है। लेकिन मान लो आपका कोई दोस्त है जिसका नाम है राम। अब आप बार बार ये थोड़ी कहोगे कि राम इधर आओ, राम मेरे लिए ये ले आओ, राम मेरे लिए वो ले आओ। हम ऐसा नहीं करते। हम क्या कहते हैं कि तुम मेरे लिए, मतलब जो भी हमें चीज मंगवानी होती है, हम उसे ये कहेंगे कि तुम मेरे साथ आज खेलने के लिए चलो, आज हम शाम को खेलने चलेंगे, या फिर आज तुम मेरे घर पर आ जाओ। तो हम बार बार राम नाम लेने की जगह पर क्या कह रहे हैं, तुम। तुमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू। तो यही बात है, जहां पर हम नाउन वर्ड का यूज करने की जगह हम उसके लिए जब दूसरे वर्ड्स यूज करने लग जाते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, प्रोनाउन। ये जो वर्ड है ये क्या है, प्रोनाउन, जो कि नाउन की जगह पर आकर नाउन को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर अब मैं अपनी बात करती हूँ, मान लो मैंने अपना इंट्रोडक्शन देना है तो मैं बार बार अपना नाम नहीं लूंगी। माय नेम इज, जो भी, जैसे मैंने अपना नाम लेने के बाद क्या है, जैसे मान लो किसी का भी नाम है, राधा, सिया, मीना, जो भी है, ठीक है, तो वो क्या कहेगी, माय नेम इज मीना। अगर उसने कह दिया मीना, अब वो क्या कहेगी, मीना इज 16, 18, 21 ईयर ओल्ड, या वो ऐसा कहेगी, या फिर वो कहेगी कि आई एम। हम हमेशा क्या है कि एक बार अपना इंट्रोडक्शन में नाम बोलते हैं, देन क्या है कि हम अपने लिए आई वर्ड का यूज करते हैं। तो बार बार नाम लेने की जगह हमने ये जो आई वर्ड का यूज किया है, ये क्या है, उस नाम को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो आई वर्ड है ये नाउन की जगह पर आया है, इसीलिए ये कौन सा वर्ड है, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पर आकर नाउन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने हिंदी में पढ़ी होगी सर्वनाम। सर्वनाम में एक उसका प्रकार होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या है कि मान लो अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हो तो आप क्या वर्ड बोलते हो, आई। अगर आप और आपको कोई दोस्त है, वो कोई प्लानिंग बना रहे हैं, तब क्या है कि आप दोनों दोस्तों ने कोई प्लानिंग बनाई और अपने जो दूसरे दोस्त हैं उनको उस प्लानिंग के बारे में बता रहे हो, तो आप एक बार तो क्या है कि अपने दोनों, यानी कि आप अपना और अपने दोस्त का नाम लोगे। देन क्या कहोगे कि हमने ये प्लान बनाया है कि हम टूर पर जाएंगे, हमने प्लान बनाया है कि हम जयपुर घूमने के लिए जाएंगे, हमने प्लान बनाया है कि जयपुर में हम इस जगह पर, इस होटल में रहेंगे, यहाँ यहाँ घूमने जाएंगे। तो वहां पर बार बार हम की जगह आप अपने दोस्त और अपना नाम नहीं लोगे, तो वहां पर आपने क्या वर्ड यूज किया, हम। हमको इंग्लिश में कहते हैं वी। तो ये जो वी वर्ड है वो भी क्या है, प्रोनाउन है। नाउन में क्या होता है, नेम, लेकिन यहाँ पर हमने नेम को रिप्लेस कर दिया वी वर्ड से। इसी तरीके से यू। देन अगर हम किसी बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, मान लो आप और आपका कोई दोस्त है वो किसी बॉय के बारे में बात कर रहा है, तो आप एक बार तो उसका नाम लोगे, देन बाद में उसे ही से कहोगे। जैसे कि मान लो आपके कोई दोस्त है जिसका नाम है राम, तो आप कहोगे कि हमारी क्लास में राम नाम का लड़का पढ़ता है। अब आप क्या बार बार थोड़ी कहोगे कि जो राम है वो बहुत ज्यादा होशियार है, राम टाइम पर स्कूल आता है, आप ऐसा नहीं कहोगे। आप क्या कहोगे कि वह होशियार है, वह टाइम पर स्कूल आता है। तो ये जो वह वर्ड है, इसे इंग्लिश में आप क्या कहते हो, लड़के के लिए हम यूज करते हैं ही। अगर आप लड़की के बारे में बात कर रहे हो तो आप यूज करोगे शी। इसी तरीके से मान लो आप और आपका दोस्त पार्क में जाते हैं और वहां पर क्या है कि आप कुछ लोगों को देखते हैं जो कि योगा कर रहे होंगे,
तो क्या है कि आप और आपका दोस्त क्या कहेगा, जैसे मान लो आपने अपने दोस्त को कहा कि वहां देखो वो लोग योगा कर रहे हैं, तो वहां पर आपने जो वो वर्ड का यूज किया है उसका मीन्स इंग्लिश में क्या हो जाएगा, दे। ये जो दे वर्ड है वो उन जो नाउन्स जो लोग थे उन्हें क्या है रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी क्या है एक प्रोनाउन वर्ड है। इसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए हम इट वर्ड का यूज करते हैं। तो ये जितने भी वर्ड हैं ये सभी क्या है प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन जिसे हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आपने सुना होगा कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसे भी तीन भागों में बांटा जाता है, जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। तो यहाँ पर इसका मीन्स अगर आपको मैं बेसिक भाषा में समझाना चाहूँ तो आप ये समझ लो फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट और थर्ड सब्जेक्ट, ये जो वर्ड्स है ये है सब्जेक्ट, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा होता है जो बोलता है, जैसे यहाँ पर क्या है कि इस वीडियो में मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ फर्स्ट सब्जेक्ट हूँ, आई क्या है फर्स्ट सब्जेक्ट। मान लो कि अगर मैं और मेरे साथ कोई और एक टीचर है, हम दोनों एक साथ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे वी वर्ड का यूज करेंगे। तो आई और वी ये जो दो वर्ड हैं ये क्या होते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट। इसके बाद है यू, यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। आई वर्ड में ओनली एक पर्सन इसलिए ये सिंगुलर है, वी में एक से ज्यादा होते हैं इसलिए ये प्लूरल है। अब जो यू वर्ड है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर आप कोई बात बोल रहे हो तो आप अपने लिए आई वर्ड का यूज करोगे और जिससे आप बात कर रहे हो उसके लिए आप क्या है यू वर्ड का यूज करोगे। तो जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वो कौन सा होता है वो सेकंड पर्सन होता है, आपकी बात सुनेगा और उस पर रिस्पॉन्स करेगा। इसके अलावा जो ये लास्ट वाले वर्ड्स हैं ही शी दे और इट ये होते हैं थर्ड पर्सन, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। मान लो आप पार्क में जाते हो, वहां पर आप और आपका जो दोस्त है वो किसी आपके कोई क्लासमेट से मिलता है, ठीक है, आपके क्लासमेट को पार्क में देखता है तो वो क्या है पहले तो कहेगा कि वो देखो वो मेरा दोस्त है, उसका नाम बता दिया जाएगा। देन आप उसके बारे में अगर बात कर रहे हो तो वो क्या है थर्ड पर्सन है, क्योंकि आप और आपका दोस्त उस तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हो। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है और थर्ड पर्सन कौन सा होता है। ये चीज आपको इसलिए ध्यान में रखनी है क्योंकि जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एक्टिव पैसिव वॉइस करोगे तब क्या है कि हमें इनकी जो फॉर्म्स है वो चेंज करनी होगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाइज। अब आपको मतलब प्रोनाउन है जो उसके जो काइंड्स है उन्हें पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि आपको नाउन प्रोनाउन, अब नाउन और प्रोनाउन जब इकट्ठे आ जाते हैं तो वो क्या बनते हैं उसका जो डिफरेंस है पहले आपको वो पता होना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि आपका जो सेकंड ग्रेड है उसमें क्या है कि एक मतलब पांच क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको लाइन दे दी जाएगी और उस लाइन में क्या है कि आपको एक या दो वर्ड अंडरलाइन कर दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि ये जो वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। तो ये सब चीजें पता करने के लिए हमें सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना होगा जिसमें हमने नाउन को पढ़ लिया है। अब हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की, तो यहाँ पर मैं तीन सेंटेंस लिख रही हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज अ कार, सेकेंड सेंटेंस है दिस कार इज माइन, थर्ड सेंटेंस है दिस इज माई कार। ये तीन सेंटेंस हैं। इनमें जो भी वर्ड्स है वो क्या है या तो वो नाउन है या वो प्रोनाउन है या फिर नाउन और प्रोनाउन इकट्ठे हैं। और जब ये नाउन और प्रोनाउन इकट्ठे होते हैं तब क्या है कि ना तो हम इन्हें नाउन कह सकते हैं ना ही हम इन्हें प्रोनाउन कह सकते हैं, क्योंकि नाउन कहेगा कि मेरा नाम लो, प्रोनाउन कहेगा कि मेरा नाम लो। इसलिए हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो कार वर्ड है वो तो क्या है नाउन है, और ये कौन सा नाउन है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो कार है वो एक कॉमन नाउन है। दिस से जो ये क्या है प्रोनाउन वर्ड है, क्योंकि ये जो वर्ड है वो हमने किसके लिए यूज किया है कार के लिए, यह एक कार है तो यह जो वर्ड है वो क्या है प्रोनाउन है और जो कार है वो नाउन है।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है दिस कार इज माइन। अब यहाँ पर जो दिस है वो तो क्या है प्रोनाउन, कार क्या है ये है नाउन। अब प्रोनाउन और नाउन, अब नाउन है जो वो कहते हैं कि मेरा नाम लो, प्रोनाउन कहता है मेरा नाम लो। तो इन दोनों के लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए हमने कहा कि ना तो ये नाउन है और ना ही ये प्रोनाउन है, ये क्या है एडजेक्टिव। जहां पर नाउन और प्रोनाउन इकट्ठे आते हैं वो क्या बन जाते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो दिस कार है ये ना तो नाउन है ना ही प्रोनाउन है, ये दोनों वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं एडजेक्टिव कि यह कार इज माइन। माइन का मीन्स होता है मेरे, जो कि एक पजेसिव प्रोनाउन है। अब जब हम प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम इन्हें भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो माइन है ये क्या है प्रोनाउन है। तो आपको बस यही चीज ध्यान देनी है कि नाउन कौन सा है प्रोनाउन कौन सा है, और जब नाउन और प्रोनाउन इकट्ठे आते हैं तब वो क्या है एडजेक्टिव में चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है दिस, यहाँ पर जो मीन्स है वो क्या है दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है। और ये जो लाइन है उसमें क्या लिखा है दिस इज माई कार, यह कार मेरी है। दोनों का मीन्स सेम है लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर जो दिस है वो क्या है प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पर दिस के साथ क्या आ रहा था कार जो कि क्या है नाउन। प्रोनाउन और नाउन इकट्ठे आ रहे थे इसलिए यहाँ पर ये बन गया एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पर दिस के बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब है, कोई भी नाउन नहीं है, इसलिए ये जो दिस है ये क्या है प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर माई ये तो है प्रोनाउन और जो कार है वो है नाउन, माई कार मेरी कार, तो ये क्या बन गया एडजेक्टिव। आपको इसके बारे में पहले प्रॉपर वे में पता होगा, ये इसलिए ताकि आप अपना जब अगला टॉपिक पढ़ोगे आगे स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको ये चीज आसानी से क्लियर समझ में आनी चाहिए। तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही, और जो अगली क्लास है उसमें हम प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।